सीबीआई में नंबर वन और नंबर टू अफसरों की आपसी लड़ाई के बीच बुधवार को एक दर्जन से ज्यादा अफसरों का ट्रांसफर कर दिया है। इसके अलावा आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेज दिया गया और एम नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम डायरेक्टर बनाया गया है। मामले की जांच पूरी होने तक राकेश अस्थाना और आलोक वर्मा समेत कई अफसरों के दफ्तर भी सील कर दिए गए हैं। सीबीआई में चल रही इस उथल पुथल के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सिद्धार्थ पांडे। भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है इन्वेस्टिगेशन इंस्टीट्यूशन सीबीआई, जो अमेरिका के एफबीआई के साथ उसकी तुलना की जाती है, लेकिन हालत अभी ये है सीबीआई की, जो टॉप मंजिल में जो ऑफिसेज जो हैं, जो डायरेक्टर के ऑफिस हैं आलोक वर्मा के, उन्हें सील कर दिया गया है। जो नंबर टू सीबीआई में डायरेक्टर माने जाते हैं अस्थाना, उनका दफ्तर सील कर दिया गया है और उनके साथ ही साथ 11 और ऑफिसर्स हैं जिनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि ये सब किया जा रहा है ताकि एक तरीके से इंस्टीट्यूशन को यानी संस्था को बचाया जाए, उसकी इंटेग्रिटी को बचाया जाए, पारदर्शिता लाई जाए, इसलिए सरकार ने कहा है, उन्होंने कदम उठाए हैं। इन दोनों ऑफिसर्स को, जो नंबर वन नंबर टू आलोक वर्मा और अस्थाना को, उनको लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है जब तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का सीधे हमला सरकार पे है। विपक्ष का कहना है कि सरकार जो है, जो सीबीआई का जो वायलेशन है, सीबीआई एक्ट का वायलेशन है, और सरकार नहीं चाहती कि जो है सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे, खासतौर से जो बड़े बड़े मुद्दे हैं जैसे रफ़ाइल जैसे मुद्दे हैं। ये बात भी आ रही है कि विपक्ष ने ये मुद्दा उठाया था, सीबीआई को भी लिखा था कि इस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तो अब ये आरोप बन के आ रहा है कि क्योंकि इस इन्वेस्टिगेशन को दबाना है इसलिए सरकार ने कदम उठाए हैं। सच्चाई क्या है इसका शायद वक्त ही पता लगेगा, वक्त के बाद क्या होने वाला है, क्योंकि एक तरीके से नंबर वन एंड नंबर टू के बीच में भी लड़ाई काफ़ी समय से चल रही है आलोक वर्मा और अस्थाना के बीच में। आलोक वर्मा जो डायरेक्टर हैं सीबीआई के, उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि राकेश अस्थाना को नहीं नियुक्त करना चाहिए स्पेशल डायरेक्टर के तौर, लेकिन उसके बावजूद उनकी नियुक्ति हुई। दोनों के बीच में काफ़ी खींचातान है और आलोक वर्मा ने दरअसल, सरकार ने उनको लंबी छुट्टी पर भेजा, तो इस कदम को उन्होंने चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका में सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी है, शुक्रवार को सुनवाई होगी उनकी याचिका पे। और आलोक वर्मा शायद ये केस बनाएंगे कि कार्यकाल जो होता है डायरेक्टर का वो 2 साल तक मिनिमम होता है, यानी कम से कम 2 साल होना चाहिए, उसके दौरान ही उनको हटा दिया गया, तो क्या क्या कहेंगे देखना पड़ेगा। शुक्रवार को वो अहम डेट है इस केस के अंदर। नई दिल्ली में सिद्धार्थ पांडे, गो न्यूज़।